मनुष्य के गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है यह कहानी छोटी सी है, मगर हमें सीख बहुत बड़ी दे करके जाएगी। दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए चलिए कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने अपने घोंसले किसान के खेत में बनाया था, लेकिन चिड़िया ने अपना घोंसले में दो अंडे दिए थे। कुछ दिनों के बाद में से दो बच्चे निकले। अब चिड़िया रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती थी और शाम को वापस आती थी। दर्शक बंधुओं, अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। जैसे ही सुबह होती थी तो वह चिड़िया दाना चुगने के लिए चली जाती थी, अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती थी, और जैसे ही शाम होती थी तो वह चिड़िया शाम को वापस आ जाती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ करके और दाना चुगने के लिए चली गई थी, तो उसी खेत का जो मालिक था, वह मालिक वहां पर आता है और वह कहता है कि अब तो फसल काफी बढ़ चुकी है, कल अपने बेटों को बोल करके और इस फसल को कटवा दूंगा। यह बोल करके उस खेत का मालिक वहां से चला जाता है। दर्शक बंधु, यह बात उस घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चे सुन रहे थे। जब शाम को चिड़िया वापस आई तो उसके बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज खेत का मालिक आया था और वह कह रहा था कि कल अपने बेटों को बोल करके और फसल को कटवा दूंगा, और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी कट जाएगा, हमें आज ही अपना घोंसला यहाँ से ले जाना चाहिए। यह सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, बेफिक्र होकर सो जाओ, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। और गजब की बात यह हुई कि कल सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग एक हफ्ता गुजरने के बाद उसी खेत का मालिक फिर आया और फसल को देख करके उसने फिर से वही कहा कि अब तो फसल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, कल तो इसे नौकरों से बोलकर नौकरों के हाथ से कटवाना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसका मालिक वहां से चला गया। जब शाम को चिड़िया दाना चुगकर वापस आई, फिर से उसके बच्चों ने उसे कहा कि माँ, आज फिर से खेत का मालिक आया था और इस बार तो वह कह रहा था कि कल तो पक्का ही नौकरों के हाथ से फसल काटने ही पड़ेगी, हमें जल्द ही अपना घोंसला दूसरी जगह ले जाना चाहिए। फिर से उस चिड़िया ने अपने बच्चों को संतुष्ट किया, अपने बच्चों को समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। दोस्तों, चम्मे की बात तो यह थी, सच में दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। लगभग दो हफ्ते बीतने के बाद फिर से खेत का मालिक वहां पर आया और जब उसने कहा कि अब तो कल आकर मुझे ही फसल काटनी पड़ेगी, और यह कहकर उस खेत का मालिक वहां से चला गया। फिर जब शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में वापस आई तो उसके बच्चों ने उससे कहा कि माँ, आज फिर से खेत का मालिक आया था और अब तो उसने ये कहा है कि कल वो खुद आकर फसल काटेगा। बस यह सुनने के बाद चिड़िया ने तुरंत अपने बच्चों समेत अपना घोंसला उठा करके और बाजू के खेत में लेकर चली गई। दर्शक बंधु, जब दूसरा दिन निकला और सुबह हुई तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि वो किसान अपने खेत की फसल काट रहा था। यह देखने के बाद उन बच्चों ने अपनी
माँ से पूछा कि माँ आपको कैसे पता चला कि वो खेत का मालिक आज पक्का फसल काटेगा, हालांकि इससे पहले भी वो दो बार यही कह चुका था कि कल मुझे फसल पक्का काटनी है। तो चिड़िया ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इंसान है ना, जब तक यह अपने काम को दो बार नहीं टाल देता है तब तक उसे काम को हाथ नहीं लगाता, और मनुष्य अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरे के ऊपर काम को टाल देता है तब तक उसका काम नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य गरीब रहता है, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो, वह उसे जब तक दो बार नहीं टाल देगा तब तक उस काम को नहीं करता है। चिड़िया ने अपने बच्चों से सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ध्यान से सुनना, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है ये आपके पास टाइम है, मगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है, जबकि इसका उल्टा है, आपके पास जरा सा भी टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बल्कि आपको देर हो चुकी है, आपने बहुत टाइम कर दिया है, लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और आप वहीं बैठकर अभी भी यह सोच रहे हैं कि आपके पास टाइम है, लेकिन सबकी एक ही प्रॉब्लम है और वह यह है कि हम काम को कल पर टालना, और आज के समय में हमारी यह आदत बन चुकी है, चाहे वो कितना भी छोटा काम है, जब तक हम उसे कल पर नहीं टालते तब तक हमें सुकून की नींद नहीं आती। हम किसी भी काम को किसी दूसरे के ऊपर टाल देते हैं कि वह करेगा तो भी हमारा काम नहीं होता। यदि हम ये सोचते हैं कि इस काम को कल करेंगे आज नहीं, तो फिर भी हमारा काम नहीं होता और हम गरीब ही रहते हैं और काम को कल पर टालते रहते हैं। यह कहकर आज मूड नहीं है, इस काम को कल देखेंगे, कल करेंगे, और हम उसी काम को भूल जाते हैं, अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। और वह दूसरे काम कौन से होते हैं? जैसे झील देखना, सोशल मीडिया चलाना, फालतू के वीडियो देखना, जिन वीडियो से हमारा कोई मतलब नहीं निकलता हो हम उन वीडियो को देखते हैं। इस तरह की बेफिजूल वीडियो में हम ना जाने इतना टाइम खराब कर देते हैं, और जो हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, और फिर जब हमें याद आता है कि आज ही हमें उस काम को करना पड़ेगा और उसके बिना हमारा दूसरा काम नहीं होगा, जब हम कोई चीज क्रेडिट पर लेते हैं तो हम उस चीज का फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, हफ्ते के बाद या महीने के बाद हमें उसका बिल पे करना ही पड़ता है, हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। उसी तरह जब हम अपने काम को कल पर टालते हैं तो हम आज तो मजे कर लेते हैं, लेकिन कल परसों हफ्ते या महीनों के बाद में हमें उसका हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो यही है हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण कि मनुष्य हम लोग ऐसा करते हैं कि यदि कोई छोटा या बड़ा काम हो तो उसे कभी तो कहते हैं कि हम अपने नौकरों से करवाएंगे, कि हम अपने मित्र से करवाएंगे, या अपने हितकारी बुहारी किसी से भी करवाएंगे, मगर ऐसा हमारा कभी नहीं हो पाता है। जब और कभी हम सोचते हैं कि इस काम को आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे या हफ्ते बाद करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है, फिर भी हमारा काम नहीं हो पाता है। जब तक हम काम को तुरंत करने की नहीं सोचेंगे या फिर खुद नहीं करने की सोचेंगे तब तक हमारा काम नहीं हो पाता है। साथियों, इसीलिए जब भी हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले उस काम को तुरंत करने की सोचें या खुद करने की सोचें, तो हमारा काम हो सकता है, अन्यथा हमारा काम नहीं हो सकता है। दर्शक बंधु,
उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।